हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक ऐसे जगह में आए हैं जहाँ का सराउंडिंग्स, जहाँ का नज़ारा देख के आपको मज़े आ जाने वाले हैं। आप अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे हो बारिश में, तो ये वीडियो देख के आपको सही में एकदम अच्छा सा फील होने वाला है। अब कहाँ पे हम लोग आए हैं ये तो आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे आए हैं ये जानने के लिए कुछ घंटे पहले चलते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, अभी घड़ी में हुआ है अराउंड 7 एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं तपोला के लिए। तो जो लोग पुणे में रहते हैं, तपोला वो लोग जानते ही है कि लाइक महाबलेश्वर वाला रास्ते में ही आते हैं। महाबलेश्वर से अराउंड आई थिंक 25-30 किलोमीटर के आगे है, वहाँ पे लेक है, उसको मिनी कश्मीर बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बीच में थोड़ा बहुत काम आ गया था मेरे को, सो वीडियो बनाने का उतना मौका नहीं मिला। एंड हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया बाय द वे, हम लोग 6:30 निकलने का सोचे थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है। महाबलेश्वर वाला जो रोड है वो घाट रोड है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उधर में। बट एनी वेज, वट एवर इट इज, इट्स फाइन। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं, आगे आपको रास्ता दिखाते हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं पुणे सिटी के अंदर से, क्योंकि हम लोग वागोली से जाने वाले हैं एंड हम लोगों को जाना है सिटी के उल्टे साइड में। अभी आप देख सकते हो 7:07 हुआ है एंड ट्रैफिक थोड़ा बहुत आ गया है रास्ते में। अब पॉइंट ये है कि ये पुणे सिटी के अंदर से अगर जाना होता है तो थोड़ा ट्रैफिक के अंदर से जाना होता है। अगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चाहिए, भगा के जाना है, तो आपको अराउंड 5:56 तक निकल जाओ तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है रास्ते में अभी। तो हम लोग फाइनली सिटी के बाहर आ गए। पुणे सिटी क्रॉस करने में अराउंड 1 आवर के आसपास लग गया, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। बट वही सिटी के अंदर आने का यही डिसएडवांटेज होता है। अभी आप देख सकते हो हाईवे में हम लोग पहुंच गए हैं। कात्राज टनल भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अभी ये रास्ता देखिए सिमिलर है जो कि लास्ट बार अपन जब महाबलेश्वर गए थे, जब अपन प्रतापगढ़ फोर्ट गए थे, तो ये एग्जैक्ट सेम रास्ता है। सतारा घाट होके वाई का टर्न लेना है एंड देन वहाँ से महाबलेश्वर, पंचगनी ये सब क्रॉस करके देन अपने को तपोला के ओर जाना है। अभी रास्ता यही सीधा है, तो ये रास्ता दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। सतारा घाट में प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रकों का ट्रैफिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने वाला है एंड ट्रैफिक बढ़ जाता है इस टाइम में ट्रकों का। आगे भी बहुत ट्रैफिक था ट्रकों का, तो देखते हैं कितना क्या ट्रैफिक मिलता है, आपको आगे अपडेटेड रखेंगे। तो अभी मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, आप देख ही सकते हो। थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है एंड हम लोग अभी चल रहे हैं, सब जगह में ग्रीनरी है। ये वैसे सेम ही रास्ता है जब अपन प्रतापगढ़ वाला फोर्ट गए थे, तब भी यही रास्ता हम लोगों ने लिया था। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर कहीं पे लिंक छोड़ रहा हूँ, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। फिलहाल रास्ते का कंडीशन अच्छा है, ऑफकोर्स उतना भी खराब रास्ता भी है नहीं। महाबलेश्वर तक तो रास्ता ठीक ठाक ही है। फिलहाल सबसे पहले सतारा घाट को क्रॉस करके महाबलेश्वर का टर्न ले लेते हैं। एज आप देख सकते हो सतारा घाट में एज एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। खाली बसेस का ही नहीं, आज तो और भी चीजें हैं, जैसे कि टेम्पो ट्रैवलर है, गाड़ी भरा हुआ है क्योंकि लंबा वीकेंड है। 15 अगस्त का लंबा वीकेंड है, तो जिसके लिए आई थिंक सारे लोग आज निकल गए हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो भयंकर ट्रैफिक है। आप सबसे बड़ा डर मेरे को ये है कि महाबलेश्वर में अगर बहुत ट्रैफिक लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, बट देखते हैं कितना क्या ट्रैफिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने महाबलेश्वर का बोले तो वाई का टर्न ले लिया है, तो ये रास्ता सीधा भी जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो सर्विस लेना है वो ले लिया। आप देख सकते हो ऊपर लिखा भी है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर यहाँ से 44 किलोमीटर अराउंड है। हम लोगों को अभी इधर से सीधा जाना है एंड एक राइट टर्न लेके वाई के ओर हम लोगों को टर्न लेना होगा। यही वाला रास्ता ना, ये रास्ता सीधा भी जाता है, ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, ये रास्ता भी सीधा वाई के ओर जाएगा। तो अभी यहाँ से पूरा सिंगल लेन रोड ही है,
टिल महाबलेश्वर, टिल टपोला, जो भी आप बोल सकते हो, ये पूरा सिंगल लेन रोड है, अभी कोई हाईवे नहीं मिलेगा। हाँ, बट टिल महाबलेश्वर रोड चौड़े है, ऐसा कोई सकरा रोड तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी महाबलेश्वर के ओर जा रहे हैं, देख ही सकते हो घाट सेक्शन में है हम लोग, एंड हल्का हल्का बारिश भी आ गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तक तो नहीं मिला है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हल्का फुल्का है ट्रैफिक। आप मौसम देख सकते हो, बहुत ही सही मौसम है। हम लोग अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे, अभी हम लोग थोड़ा आगे जाके एक हॉल्ट मारेंगे, देन हम लोग टपोला के ओर निकलेंगे। तो हम लोग अभी पंचगनी एंट्री करने वाले हैं, एंड पंचगनी एंट्री के टाइम देखिए पंचगनी का कुछ टैक्सेस है जो भरना पड़ेगा, 100 रुपए, नहीं कितना रुपए का है, 100 रुपीज का ना, 100 रुपीज का टैक्स भरना पड़ता है। बट ये टैक्स पंचगनी वाला जो है ये तभी एप्लीकेबल होता है आप अगर पंचगनी या तो महाबलेश्वर में रुक रहे हो, लेकिन हम लोग नहीं रुक रहे हैं वहाँ पे, हम लोग सीधा जा रहे हैं टपोला। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है कि इन लोगों को बोलना होता है कि हम लोग पंचगनी में महाबलेश्वर में नहीं रुकने वाले, हम लोग सीधा टपोला जा रहे हैं, तो टपोला के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये हमारा पैसे बच जाते हैं यहाँ पे जो भी 100 रुपये लगते हैं। पंचगनी तक भी कोई बारिश नहीं था, महाबलेश्वर में कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश चालू हो गया है। आई होप कि टपोला में उतना ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना घूम नहीं पाएंगे। थोड़ा सा बारिश हो बट थोड़ा सा कम भी हो जाए ऐसा प्रे कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे देखिए बारिश एकदम तेज तर्रार बारिश है, पूरा भयंकर वाला। हम लोग अभी महाबलेश्वर क्रॉस कर रहे हैं। महाबलेश्वर के एंट्री में एज आई सेड कि टोल का एक होता है, वहाँ पे मैंने बोला कि हम लोग टपोला जा रहे हैं, हम लोग महाबलेश्वर रुक नहीं रहे हैं, तो उन लोगों ने खाली गाड़ी का जो पैसा है जो 50 रुपीज़ है खाली उतना ही लिया, जो पर्सन का पैसा है 25-25-50 रुपीज़ वो नहीं लिया। तो एक आप लोग अगर आ रहे हो तो ये चीज़ आप बता सकते हो कि हम लोग टपोला जा रहे हैं या तो प्रतापगढ़ जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा कम कर देंगे। लास्ट बार हम लोगों ने किया नहीं था, ये हमारा गलती था, तो इस बार हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर होके आए हैं। तो एज आप रास्ता देख सकते हो, बारिश के वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गया है, एंड आप देख ही सकते हो वो गाड़ी भी ढंग से दिख नहीं रहा है। अभी सामने आया, हैजार्ड जलाया हुआ है तो थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट वही कि रास्ता का विजिबिलिटी बहुत कम है, एंड रास्ता भी बहुत सकरा हो गया है अभी अभी, एंड यही रास्ता अभी सीधा जाएगा टपोला की ओर। फिलहाल रास्ता कुछ इस तरीके का है, थोड़ा बहुत ख़राब पैचेस है, एंड जहाँ पे वो महाबलेश्वर का वो टोल लिया था वहाँ पे भी ये लोग बोल रहे थे कि कुछ पैचेस बहुत ख़राब है, तो देखते हैं कितना क्या ख़राब पैचेस है, आपको अपडेट करता हूँ मैं। हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी पहाड़ से हम लोग ढलान के ओर उतर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, लेक की ओर जा रहे हैं। उस कोने में लेक हम लोग को दिखाई भी दिया, अभी शायद आप लोग को उतना अच्छे दिखेगा नहीं, बट लेक उस साइड में है एंड हम लोग उसी की ओर डिसेंट हो रहे हैं। पहाड़ के ऊपर एज आप इसके पहले वाले वीडियो में देख ही सकते थे बहुत ज़्यादा फॉग था, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन एज वी आर डिसेंडिंग डाउन तो बारिश का इंटेंसिटी भी कम हो गया, एंड देखो फॉग भी नहीं दिख रहा है, उस साइड में लेक भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो टपोला अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 किलोमीटर में ही है,
बट रास्ते में हम लोग को एक बहुत सुंदर सा व्यू पॉइंट दिखा, तो गाड़ी हम लोग ने यहाँ पे रोक दिया है एंड यहाँ पे ब्लॉसम फोटो खींच रही है। एंड व्यू पॉइंट कुछ इस तरीके का है, चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो व्यू कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। एंड हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे मस्त चेयर वेयर लगा दिया है, कैंपिंग चेयर। ब्लॉसम यहाँ पे बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, गोप्रो में थोड़ा वीडियो वीडियो निकाल रही है। गाड़ी भी पीछे लगा हुआ है तो फुल एक्सेसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली वी आर हियर, हम लोग तपोला पहुंच गए हैं। अभी एक बोटिंग हाउस है उसके जस्ट सामने, हम लोगों ने रास्ते के साइड में ही गाड़ी खड़ा किया है। एंड भाग्य जी बहुत एक्साइटेड है, पता नहीं बोटिंग कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि बारिश अभी भी चल रहा है, तो देखते हैं बोटिंग का क्या सीन है। ये देखिए ऐसे जगह में गाड़ी लगाया हुआ है, अभी बारिश का वैसे ढंग से दिख नहीं रहा है, बट बोटिंग हाउस उधर है। यहाँ पे ये एक बोटिंग क्लब है जहाँ पे अपन रुके हैं। गाड़ी पीछे उस साइड में मैंने खड़ा कर दिया, रोड साइड में। बारिश तो अभी भी बहुत हो रहा है एंड लेक इधर है, तो पहले लेक का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए लेक कुछ इस तरीके का दिख रहा है। वेदर तो एकदम भयंकर है, काफ़ी सुंदर वेदर है, बट अभी बोटिंग का देखेंगे क्या सीन है। एंड हम लोग पूरा छाता वाता लेके इधर आए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ये तपोला जो एरिया है इसके बहुत देर आगे से ही नेटवर्क पूरा बंद हो जाता है। तो आप अगर आ रहे हो तो मेक श्योर कि मैप आप ऑफलोड डाउनलोड कर लो, मतलब आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लो ताकि नेविगेशन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वरना यहाँ पे कोई नेटवर्क आपको मिलेंगे नहीं। ये है बोटिंग का रेट सारे। ये वाला जो है 8 घंटे का, कोयना सेंचुरी का, ये अभी बंद है, ये बारिश के टाइम बंद होता है। ये सारी चीज़ें अभी चालू है, हम लोग ये 900 रुपये वाला करेंगे। हम लोग को और एक ग्रुप मिल गया तो उसके साथ, वैसे क्योंकि हम लोग बस दो ही लोग थे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग उस ग्रुप के साथ लटक गए हैं। हम लोग उसी के साथ घूमने वाले हैं, तो 900 रुपये वाला हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोग अभी निकल गए हैं, वहाँ से बोट में चढ़ेंगे। लौसम जा रही है आगे, बहुत कीचड़ है तो इसलिए थोड़ा संभाल के। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे और पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, प्राइस वैरी करता है एज मैंने दिखाया आपको। बट बारिश के टाइम में कुछ ज़्यादा ही कीचड़ कीचड़ हो रहा है अभी तो, एंड बहुत सारे बंद भी है पॉइंट्स, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे नॉर्मल वाला किया, क्योंकि यहाँ पे आए हैं इतना दूर आए हैं, बोटिंग नहीं करके जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने 900 वाला किया। बैठ गए हैं अपन बोट में, अपन दोनों बैठ गए हैं। भाग्यश्री अभी यहाँ से क्या फोटो ले रही है, वीडियो ले रही है, क्या ले रही है, वीडियो ले रही है। अभी बोट बस चालू ही हुआ है, आपको बस व्यू दिखा रहे हैं अभी। देखिए और भी बहुत सारे टाइप्स का बोट जा रहे हैं। अभी भैया क्या बोल रहे थे कि अभी इसमें पानी काफ़ी कम है, अभी और 15-20 दिन में और ज़्यादा पानी आ जाएगा एंड ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये भी डूब जाएगा, ऐसा है। तो अभी पानी उतना भी नहीं है बट है, काफ़ी है। ये है आइलैंड पॉइंट जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो हमारा बोट का राइड यहाँ तक ही है, और भी बहुत सारे बोट राइड जो दूसरे पॉइंट में जाते हैं, बट हमारे वाले ये आइलैंड पॉइंट ही है। तो यहाँ पे अभी लोग मस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड ये इधर है आइलैंड। तो हमारे लिए अभी बस इतना तक ही है बोट, त्रिवेणी संगम और उस साइड में था, लेकिन हम लोग अभी गए नहीं है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। देखिए आप देख ही सकते हो बारिश काफ़ी तेज़ है, तो हम लोगों ने इतना तक ही लिया था बस। हम लोग अभी बोटिंग करके जस्ट गाड़ी में आए हैं, व्यू बहुत ही सही था, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आई गेस अक्टूबर अक्टूबर या तो क्या नवंबर अक्टूबर के बाद में बाद भी बाद आई में मीन आफ्टर एक्चुअली, रेन। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली आफ्टर रेन आप अगर आओगे तो आपका वो जो ट्रेकिंग वेकिंग ये सब जो सीन है ये सब आप कर पाओगे, क्योंकि अभी बारिश इतना है तो ट्रेकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद है। तो काफ़ी चीज़ें बंद हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक बारिश के बाद एंड विंटर के टाइम आओगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। अभी हम लोगों का यहाँ का ख़त्म हो गया एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं पंचगनी की ओर, एंड वहाँ पे जाके कहीं तो कुछ तो खाएंगे, पता नहीं अभी क्या करेंगे। अभी पंचगनी पहुंचते हैं, देन आगे का वीडियो चालू करते हैं। लोग अभी महाबलेश्वर से जा रहे हैं एंड हम लोग फंस गए हैं भयंकर वाला जैम में, ट्रैफिक जैम में। तो आप देख ही सकते हो गूगल मैप पे भी पूरा रेड, डार्क रेड बता रहा है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया है, तो जितना भी टूरिस्ट स्पॉट्स है सारे स्पॉट के सामने
ये लोग गाड़ी लगा के ऐसे रास्ते में गाड़ी चिपका के चले गए होंगे, तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आया है। अभी देखिए इतना ट्रैफिक जाम है। अभी पंचगनी पहुंचने में भी लगभग एक डेढ़ घंटा बता रहा है, जस्ट 16 किलोमीटर जाने में। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं चीज़ केक फैक्ट्री में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अराउंड 2 आवर्स हम लोगों को लगे, जस्ट कितना 20 किलोमीटर्स कवर करने में अराउंड 2 आवर्स के आसपास लगे। भयंकर वाला ट्रैफिक था एंड लिटरली हम लोग थक गए हैं। एनीवेज अभी हम लोग आ गए हैं चीज़ फैक्ट्री में एंड हम लोग अभी करेंगे लंच। अभी लंच में क्या करेंगे वो देख लीजिए। देखिए लंच में अभी ब्लॉसम क्या कर रही है, पिज्ज़ा में ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स डाल रही है क्योंकि आज खाने वाले हैं पिज्ज़ा। एनीवेज आज का वीडियो मैं यहीं पे अभी एंड करने वाला हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग खा पी के निकलेंगे पुणे के लिए। पुणे पहुँचने में अराउंड अभी कुछ घंटे तो लगेंगे ही, अभी 8:30 to 9:30 फॉर श्योर, क्योंकि वाघोली तक हम लोगों को पहुँचना है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।